अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम पाइथन नंपाई ट्यूटोरियल्स की सीरीज़ के अंदर एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम कोई भी टॉपिक नहीं देखने वाले, जबकि आज की वीडियो में हम करेंगे एक छोटी सी एक्सरसाइज, क्योंकि हमने अपनी पाइथन के अंदर नंपाई लाइब्रेरी को कम्प्लीट कवर कर लिया है और उसके तमाम कॉन्सेप्ट देख लिए हैं। तो फ्रेंड्स, अब वक्त आ चुका है कि हम उन तमाम कॉन्सेप्ट को किसी चीज़ के ऊपर अप्लाई करें। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर एक छोटी सी एक्सरसाइज क्रिएट की है। उस एक्सरसाइज के अंदर कुछ क्वेश्चन हैं, वो तमाम क्वेश्चन बेस करते हैं जो कि हमने अपनी प्रीवियस नंपाई ट्यूटोरियल्स की सीरीज़ के अंदर देखा था उसके ऊपर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सिर्फ उन एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देखेंगे और मैं आपको थोड़ी बहुत हिंट दे दूंगा कि किस तरीके से उन्हें सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स, हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी एक्सरसाइज के सॉल्यूशन की। तो फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं अपनी एक्सरसाइज। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर। एक्सरसाइज को देखने से पहले आपको बताता चलूं कि अगर आपने अभी तक पाइथन नंपाई ट्यूटोरियल्स की इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो जाइए इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए, क्योंकि इस प्लेलिस्ट के अंदर जो भी हमने कॉन्सेप्ट देखे हैं वो तमाम हमारी इस एक्सरसाइज के ऊपर यूज़ होंगे। तो फ्रेंड्स, आइए मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर पाइथन नंपाई एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमसे कह रहा है कि आपने सबसे पहले तो इंपोर्ट कर लेना है नंपाई को एज अ एनपी के तौर पर। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि आपने यहाँ पर एरे क्रिएट करनी है 10 जीरोज़ की। हमें मालूम है कि जीरोज़ का बिल्ट इन फंक्शन होता है जिसकी मदद से हम एरे क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरीके से हमें यहाँ पर एक एरे क्रिएट करनी है 10 वंस की। हमें मालूम है कि वंस का भी बिल्ट इन फंक्शन होता है जिसकी मदद से हम यहाँ पर ईजिली एरे क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक ट्रिकी क्वेश्चन आता है, कहता है कि क्रिएट एन एरे ऑफ 10 फाइव्स। अब हमें यहाँ पर 10 फाइव्स की एरे क्रिएट करनी है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर 5 का कोई भी बिल्ट इन मेथड नहीं है। यहाँ पर आपको थोड़ी सी लॉजिक अप्लाई करनी है, आप इजीली इसे सॉल्व कर लेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर क्वेश्चन के नीचे आंसर भी दिया हुआ है कि आपका आंसर इससे मैच करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस फाइल को मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पर लिंक पर जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। लेकिन आपने इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए इस बात का ख्याल करना है कि अगर आपने यहाँ पर कोई भी गलत अटेम्प्ट किया तो ये जो नीचे आपको आउटपुट दिख रही है ये रिमूव हो जाएगी। तो आप यहाँ पर एक काम कीजिएगा कि आप यहाँ पर एक सेल को ऐड कीजिएगा और इस सेल के अंदर आप अपनी कोडिंग कीजिएगा। अगर आप यहाँ पर सेल के अंदर कोडिंग नहीं करना चाहते तो आप न्यू फाइल क्रिएट कीजिएगा, उसके अंदर इस कोडिंग कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्रिएट एन एरे ऑफ इंटीजर फ्रॉम 10 to 50। हमें यहाँ पर एक एरे क्रिएट करनी है जिसके अंदर इंटीजर हो 10 से लेकर 50 तक। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर आउटपुट के अंदर एरे डिस्प्ले हो रही है। इस तरीके से आपने यहाँ पर इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्रिएट एन एरे ऑफ ऑल द इवन इंटीजर फ्रॉम 10 to 50। अब आपने यहाँ पर जो एरे है इसके अंदर से तमाम इवन नंबर्स निकालने हैं, या आप यहाँ पर इवन नंबर भी निकाल सकते हैं, या आप यहाँ पर एक और एरे क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर आप यहाँ पर जो भी लॉजिक अप्लाई करना चाहे वो अप्लाई करके यहाँ पर आप इसके अंदर से इवन नंबर जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपने यहाँ पर 3x3 की एक मैट्रिक्स क्रिएट करनी है जिसकी जो वैल्यू होगी वो 0 से लेकर 8 तक होगी। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर आउटपुट के ऊपर कुछ इस तरह की एरे डिस्प्ले होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपने 3x3 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्रिएट करना है। इस तरीके से आपने यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को क्रिएट करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यूज नंपाई टू जनरेट अ रेंडम नंबर बिटवीन 0 and 1। आपने यहाँ पर रेंडम नंबर जनरेट करना है 0 से 1 के दरमियान में। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर रेंडम नंबर की एरे क्रिएट करना सीखी थी, ये आपको वीडियो मिल जाएगी इस प्लेलिस्ट की वीडियो नंबर 3। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर थंबनेल के ऊपर लिखा हुआ है 3। तो आपको यहाँ पर रेंडम नंबर्स की एरे के बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि क्रिएट एन एरे ऑफ 20 लीनियरली स्पेस बिटवीन 0 and 1। आपने यहाँ पर एक एरे क्रिएट करनी है जिसके अंदर 20 एलिमेंट होंगे 0 से लेकर 1 के दरमियान में, उनके दरमियान में स्पेस बराबर का होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक हमारे पास नंपाई एरे के बारे में कोई क्वेश्चन थे। उसी के साथ साथ हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है नंपाई की इंडेक्सिंग एंड सेलेक्शन के बारे में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर सबसे पहले तो आपके लिए एक एरे क्रिएट की है। हमारे पास यहाँ पर इस एरे का नाम है मेट। तो हमारे पास यहाँ पर इस एरे के अंदर एलिमेंट है 1 से 25 तक और हमने यहाँ पर इसे 5x5 की एरे क्रिएट की हुई है। तो फ्रेंड्स, अब हमें यहाँ पर अपने इस एरे में से स्लाइसिंग करनी है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर अपनी एरे का ये वाला पार्ट डिस्प्ले करवाना है। आप देख सकते हैं कि आउटपुट के ऊपर हमारे पास यहाँ पर एरे डिस्प्ले हो रही है।
बेसिकली हमारे पास इस मैट्रिक्स के अंदर से एरे का कुछ पार्ट है, वो हमें डिस्प्ले करवाना है थ्रू स्लाइसिंग, ठीक है। उसके बाद अब हमें यहाँ पर अपनी इस एरे के एलिमेंट 20 को एक्सेस करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एरे के अंदर है 20। अब हमें यहाँ पर इसे सेलेक्ट करना है, ठीक है। और इसके साथ साथ हमारे पास नेक्स्ट क्या कह रहा है, आपने यहाँ पर एक एरे स्लाइस करनी है, एरे सेलेक्ट करनी है जिसके एलिमेंट हो 2, 7, 12। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एरे है। अगर आप यहाँ पर इसके सेकंड कॉलम में नोट करें तो हमारे पास 2 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है, 12 भी आ रहा है। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ पर सिर्फ इस कॉलम को सेलेक्ट करना है और आपने स्टार्टिंग के 3 एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपने यहाँ पर एरे की लास्ट रो को सेलेक्ट करना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एरे की लास्ट रो के अंदर एलिमेंट है 21, 22, 23, 24 और 25। आपने यहाँ पर इस रो को सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपने यहाँ पर एरे की लास्ट के 2 रोज को सेलेक्ट करना है। तो फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, गेट द सम ऑफ द वैल्यूज इन मैट। इसका मतलब ये है कि जो आपके पास यहाँ पर ये एरे है आपने इसके तमाम एलिमेंट का सम करना है। और इसी के तरीके से आपके पास यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, गेट द सम ऑफ ऑल द कॉलम्स इन मैट, ठीक है। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, या आप ये कह सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर एक बोनस क्वेश्चन है। इसके लिए आपको थोड़ी बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी या थोड़ी बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी कि किस तरीके से हम यहाँ पर कॉलम्स को ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी बेसिकली हमारी एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज के अंदर जो भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये हमने अपने इस प्लेलिस्ट के अंदर जितने भी टॉपिक्स कवर किए हैं उनमें से हैं। अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया हुआ तो जाइए इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए, क्योंकि हमने यहाँ पर इस प्लेलिस्ट के अंदर नंपाई को स्टेप बाय स्टेप सीखा है फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो में सिर्फ आपको समझाना था कि किस तरीके से आप एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इस फाइल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। हम अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियो के अंदर इस एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखेंगे। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, बाय बाय।